या आई होप नाउ आई विल बी लाइव, शायद मैं अब लाइव दिख रहा हूँ आप लोगों को. या आई होप नाउ आई एम लाइव. इफ आई एम, जल्दी से आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए. या या इट्स फाइन नाउ, गॉट इट. सो सॉरी बिकॉज आई एम हैंडलिंग एवरीथिंग इज अ सिंगल हैंडेडली, दैट्स वाई आई जस्ट फॉरगॉट अ सेटिंग. तभी आप लोगों को जब मैंने उधर से क्लिक किया तब हमारा लाइव शुरू हुआ. तो आई थिंक अभी शुरू है, अभी स्टार्ट है, अभी हम शुरू कर सकते हैं. चलिए ओके, आ गए आप लोग लाइव और मैं भी आ गया हूँ, सब कुछ दिख रहा है, ठीक है. चलिए जब सब कुछ ठीक है, सब कुछ दिख रहा है, ऋषभ दिव्या थैंक यू, हेलो. हाँ चलिए शुरू करते हैं. आई वॉज मैं लाइव 11 बजे 12 बजे से पहले ही मैंने शुरू कर दिया था, बट स्टिल वो हुआ नहीं क्योंकि कुछ मैं सेटिंग भूल गया था. चलिए खैर शुरू करते हैं. आज के पेपर में हम डिस्कस करेंगे SSC CPO 2012 का, सॉरी 2018 का, जो 12 मार्च की सेकेंड शिफ्ट का पेपर था वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. और बिफोर आई स्टार्ट, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, फॉर देम आई हैव बीन ऑडिटर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. मैंने SSC CGL 2016 क्लियर किया हुआ है, CHSL 2015 क्लियर किया है. यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक बाई सर्चिंग अमन त्रिवेदी. ऑन फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हैं और मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं. अगर आपको इस लेसन की PDF चाहिए है तो आपको टेलीग्राम पर सर्च करना पड़ेगा @AmanTrivedi. और अगर आप सीधे लिंक्स पे जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दिख जाएगा जहां से आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग. चलिए क्या दिन आ गए आपके, क्या आपकी मॉर्निंग मेरे साथ हो रही है. चलिए idioms एंड phrases आप यहाँ से याद कर सकते हो मेरी अनअकेडमी प्रोफाइल से. अगर आप देखना चाहते हो तो अनअकेडमी पर आप अमन त्रिवेदी सर्च कर सकते हो और वहाँ पर यहाँ मैंने idioms एंड phrases सारी चीज़ें यहाँ बना रखी हैं. यहाँ से आप मेरे कोर्सेज देख सकते हो. यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकेडमी प्लेटफॉर्म. इसके अलावा अगर आप वोकैबलरी पढ़ना चाहते हो मुझसे तो वोकैबलरी का ये क्रैश कोर्स है, आप इससे वोकैबलरी का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो. 4:30 से 6 बजे तक इसकी क्लास होती है, ठीक है. ये रिवीजन कोर्स है, ये 20 तारीख से शुरू हो जाएगा. इन दोनों में एनरोल करने के लिए आपको अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना होगा. अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ अमन त्रिवेदी, टू गेट 10% डिस्काउंट. अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ अमन त्रिवेदी, ठीक है. चलिए शुरू करते हैं अभी का पेपर हम अपना. और एक पहला क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड. इसमें से आपको रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है. हाँ, टेलीग्राम ग्रुप मैंने डिलीट कर दिया है क्योंकि वहाँ पर मैं एक्टिव था नहीं और मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे पाता था. तो आप थैंक यू सर, थैंक यू नवनीत सर, एंड हियर ही इज़ एन डबल AO. अगर आपको डबल AO की कोई क्वेरी हो तो आप नवनीत सर से पूछ सकते हैं, ठीक है. थैंक यू सो मच नवनीत सर. एंड टेलीग्राम ग्रुप डिलीट कर दिया था क्योंकि मैं वहाँ पर एक्टिव नहीं था. आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पर, अमन त्रिवेदी सर्च कीजिएगा सिर्फ, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा. वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है. चलिए शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर. विजय, जो भी क्वेरी है आप पोस्ट कर दो, आई विल सॉल्व इट. सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, मिस्टीरियस, लेबोरियस, कर्टियस या फिर रिलीजन. YouTube भी हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, YouTube ने भी नोटिफिकेशन नहीं भेजी. अच्छा, आप सभी लोग एक बारी लाइक बटन दबा दो, वीडियो शुरू हो गया, लाइक दबा दीजिए जिससे कि फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है. जितने भी लोग देख रहे हो, 16 लोग तो देख ही रहे हो तो 16 लाइक्स तो होने चाहिए. बताइए मिस्टीरियस, लेबोरियस, कर्टियस और रिलीजन में क्या आंसर है. यस, मिस्टीरियस मतलब होता है मिस्ट्री से रिलेटेड, जो आपका कुछ छुपा हुआ है तो वो मिस्टीरियस है. लेबोरियस एसिडुअस, लेबोरियस एसिडुअस, सेड्यूलस, ठीक है. इन सभी का मतलब क्या होता है, जो मेहनती है, तो उसके लिए आता है आपका सेड्यूलस, डिलीजेंट. इन सभी का मतलब होता है जो मेहनती है उसके लिए आएगा, या टॉयलसम. इन सभी का मतलब होता है मेहनती के लिए, लेबोरियस, एसिडियस, सेड्यूलस, डिलीजेंट, टॉयलसम, हार्ड वर्किंग. इन सभी का मतलब होता है मेहनत करने वाला, जो खूब मेहनत करे, जैसे कि आप और हम, ठीक है. कर्टियस की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पर होना चाहिए कर्टियस. कर्टियस मतलब जो थोड़ा विनम्र हो, जो अच्छा हो, उसके लिए आता है कर्टियस. रिलीजन धर्म आपको पता है. पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, वेरी गुड. आर्डस भी होगा, आर्डस हमारा रह गया था. चलो ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अगला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, आपको बताना है व्हाट इज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इन देम. ग्रूवी, ग्रूम, ग्रॉगी या फिर ग्रिटी, व्हाट इज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इन देम. ग्रूगी, ग्रूम, ग्रॉगी या फिर ग्रिटी, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा. और कल थोड़ा हम लोग बहुत जल्दी जल्दी भाग रहे थे, आज आराम से करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ठीक है. जल्दीबाजी में नहीं जाना है, आज पढ़ लेंगे यार, कोई इतनी जल्दी नहीं है. सोने की कितनी जल्दी क्या रहती है आपको. बताइए आंसर. ग्रूवी, ग्रूम, ग्रॉगी या फिर ग्रिटी, क्या आंसर होगा. तो इसमें जो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड था वो था आपका ये ग्रूवी.
ये जो इसकी सही स्पेलिंग होती है वो होती है ग्रूवी, GROOVY, इसका मतलब होता है फैशनेबल और अट्रैक्टिव, फैशनेबल और अट्रैक्टिव, इसका मतलब होता है फैशनेबल और अट्रैक्टिव, ठीक है। फैशनेबल होना, बहुत ही अट्रैक्टिव होना, तो उसके लिए आता है ग्रूवी आपका। ग्रूम आपको पता है, ग्रूम और ब्राइड, ग्रूम दूल्हे के लिए, ब्राइड आपका दुल्हन के लिए आता है। विल बी द पोर्शन ऑफ करंट अफेयर्स एसिजियल हाई टाइम, हाँ जी बिल्कुल हाई होगा इस बार, पिछली बार थोड़ा ज्यादा था तो इस बार भी थोड़ा ज्यादा होगा, सीपीओ में ज्यादा था इसलिए थोड़ा ज्यादा होगा। ग्रॉगी मतलब होता है व्हेन यू आर फीलिंग सिक, व्हेन यू आर फीलिंग सिक, थोड़ा बीमार फील कर रहे हो, व्हेन यू आर फीलिंग सिक, ठीक है। थोड़ा सा जब बीमार फील करते हो तो उसके लिए आता है आपका ग्रॉगी। और ग्रिटी होता है आपका, ग्रिटी आता है करेजियस के लिए, जो मेहनत, जो आपका करेजियस है, जो ब्रेव है, उसके लिए आता है ग्रिटी। और ग्रिटी से एक वर्ड बनता है क्या, निटी ग्रिटी। निटी ग्रिटी का मतलब क्या होता है, जैसे यू शुड नो द निटी ग्रिटीज ऑफ इंग्लिश टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। निटी ग्रिटी का मतलब होता है nuances, बहुत ही छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें, निटी ग्रिटी मतलब छोटी छोटी बातें, इंपॉर्टेंट चीजें, उसके लिए आता है nuances या फिर निटी ग्रिटी, ठीक है। तो ग्रिटी मतलब आपको पता है, ग्रिटी आपका बनता है ये वर्ड ग्रिट से, ग्रिट का मतलब होता है करेज, बिहेव, ब्रेव। ग्रिट आता है आपका कि यू शुड हैव ग्रिट टू डू दिस टास्क, ग्रिट मतलब आपके पास करेज होना चाहिए, साहस होना चाहिए, और ग्रिटी होता है करेजियस, ठीक है। चलिए, यस, गट्स से रिलेटेड आप इसे रिलेट कर सकते हो। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का एंटोनिम बताना है, जल्दी से बताइए व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट, जल्दी से बताइए व्हाट इज द एंटोनिम फॉर द वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट, बताइए आंसर, बताइए आंसर, व्हाट इज द वर्ड एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट, या इन्स एंड आउट्स भी कह सकते हो, वेरी गुड, इन्स एंड आउट्स भी हो सकता है, इन एंड आउट, कल ही शायद पढ़ा था हमने इन एंड आउट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है खर्चीला। एक्स्ट्रावेगेंट का आप याद रखो स्पेंड थ्रिफ्ट, एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब जो खर्चा करता है, जो खर्चा करता है थ्रिफ्ट, उसके लिए आता है एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंड थ्रिफ्ट। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी फ्रूगल माइजर, थ्रिफ्टी फ्रूगल माइजर मतलब होता है कंजूस। रिसेंटफुल, ये वर्ड आता है आपका रिसेंट से, तो रिसेंटफुल मतलब हो गया कि हैविंग अ रिसेंटफुल एक्सप्रेशन, मतलब बहुत ही गुस्से से भरा हुआ, फुल ऑफ एंगर, फुल ऑफ एंगर के लिए आ जाएगा रिसेंटफुल आपका, ठीक है। डेफिशियंट, आयरन डेफिशियंसी है आपकी बॉडी में, विटामिन ए की डेफिशियंसी है आपकी बॉडी में, तो डेफिशियंट का मतलब क्या हुआ, कमी होना, ठीक है, कमी होने के लिए आता है डेफिशियंट। वेस्टफुल मतलब वेस्ट से रिलेटेड हो गया, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ब्लिजार्ड, बिटर, बिविच्ड या फिर बिजार। व्हाट इज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इन देम, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, ब्लिजार्ड, बिविच्ड, बिटर या फिर बिजार, क्या आंसर होगा इसका, बताइए व्हाट इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या आंसर होगा, प्रोडिगल, प्रोडिगल मीन्स थ्रिफ्टी, हाँ प्रोडिगल इज थ्रिफ्टी, यस। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, सॉरी प्रोडिगल इज नॉट थ्रिफ्टी, प्रोडिगल होता है आपका, प्रोडिगल होता है एक्स्ट्रावेगेंट के लिए, आप एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंड थ्रिफ्ट और प्रोडिगल इसी में लिख सकते हो, मतलब होता है जो खर्चा करने को विलिंग टू स्पेंड अलॉट, प्रोडिगल होता है। और एक होता है प्रोडिजी, कोटा फैक्ट्री में था ना प्रोडिजी, प्रोडिजी क्यों आता है, प्रोडिजी चाइल्ड का मतलब होता है विलक्षण प्रतिभा का धनी बच्चा, जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा स्किल हो, कुछ एक्स्ट्रा विलक्षण प्रतिभा हो, टैलेंट हो एक्स्ट्रा, उसके लिए आता है प्रोडिजी चाइल्ड, ठीक है। तो प्रोडिगल और एक्स्ट्रावेगेंट और स्पेंड थ्रिफ्ट मतलब खर्चीला। इसमें जो जो करेक्ट वर्ड है वो है बिजार, बिजार की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है बिजार, बिजारे, बिजार का मतलब होता है समथिंग वियर्ड, बहुत ही अजीब सा, वियर्ड, स्ट्रेंज, इसके सेंस में आता है बिजार। बिविच्ड को याद रखने का तरीका सिंपल सा है, आप इसको याद रख लो, बिविच्ड, आपने बिविच को, बिविच जो है ये कहीं ना कहीं आप ऐसे याद रखो कि चुड़ैल की तरह साउंड करता है, बिविच, बिच की तरह साउंड करता है, तो बिविच का मतलब हो गया किसी को इंचैंट करना, किसी को इतनी, आपने वो डायलॉग सुना है
मेरे इतने करीब भी मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वो आपने खूब इस पे मीम देखे होंगे, तो बस ऐसे याद कर लो कि मेरे इतने करीब भी मत आओ, मैं तुम्हें बिविच्ड कर दूंगी। क्यों? क्योंकि बिविच जब कोई आपको करता है तो आपको वो क्या करता है, एनचेंट करता है। एनचेंट करता है तो क्या करता है, आपको मंत्रमुग्ध कर लेता है, आपको अपने वश में कर लेता है और इतना ज्यादा अट्रैक्ट कर लेता है कि आप अपना भला बुरा नहीं सोच पाते हो। यू आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। दैट इज कॉल्ड आपका बिविच्ड। तो बिविच का मतलब हो जाता है टू अट्रैक्ट समबडी इन अ वे, टू अट्रैक्ट समवन इन अ वे दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट। क्या सही है क्या गलत है ये नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो उसको कहते हैं आपका बिविच्ड या एनचेंट। समझ में आया, बिविच्ड और एनचेंट। तो वो उससे याद रखना कि वो जो एक मीम देखा होगा कि मेरे इतने करीब भी मत आओ, मुझे मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तो वहां से याद रख लो। बिटर मतलब सभी को पता है, ब्लिजार्ड मतलब होता है तेज हवा का झोंका, जो बर्फ में जो हवाएं चलती हैं, जो बर्फीली हवाएं चलती हैं उनको बोलते हैं आपका ब्लिजार्ड। ठीक है, बर्फीली हवाएं जो तेजी से चलती हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लिजार्ड। ठीक, चलिए याद रखेंगे अब इतने सारे, कोई भूलेंगे तो नहीं। चलिए, किसी के पीछे इतना पागल हो जाना कि उसकी, हाँ बिल्कुल वो ही। चलो ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें, बेनिफिशियल, बिनीथ, बेनेवोलेंट या बिनाइन, बताइए इस क्वेश्चन को। और फिर इसके बाद हम कुछ अच्छा सा सीखेंगे। हाँ, कोल्ड स्टॉर्म आप देख सकते हो, ठीक है, स्नो स्टॉर्म बेसिकली, इट्स नॉट कोल्ड स्टॉर्म इवन, स्नो स्टॉर्म। बताइए बेनिफिशियल, बिनीथ या बेनेवोलेंट, क्या सही वर्ड होगा इसका। देखो इसमें जो आपका है सही वो तो यही है आपका बेनिफिशियल, लेकिन इसमें इन सभी क्वेश्चंस में जो आपका एक कॉमन चीज है वो क्या है, बेने, बेने, बेन और बेने। इसको मैं सिखा दूंगा आपका, जो बेने रूट वर्ड है वो मैं आपका कवर कर देता हूँ। बीनीथ का मतलब होता है कोई चीज दबी होना, जैसे कि द फ्लोर इज बीनीथ अस, मतलब कुछ सप्रेस्ड होना, कुछ नीचे है आपके और दबा हुआ है, तो उसे कहते हैं बीनीथ होना। कुछ नीचे है आपके और दबा हुआ है तो उसे कहते हैं बीनीथ। ठीक है, तो फ्लो ग्राउंड इज बीनीथ यू। अच्छा, आप देखो बेने से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। बेने आपका क्या है, बेने एक रूट वर्ड है। ठीक है, बेने आपका रूट वर्ड है, जिन लोगों ने मेरा प्लस कोर्स ले रखा है उन्हें पता होगा बेने क्या है, आपका रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है। बेने का मतलब होता है समथिंग गुड, कुछ अच्छा होने के लिए। ठीक है, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं मतलब आप बेने सुन रहे हैं, ठीक है, ऐसे याद रखो। तो बेने का मतलब क्या होता है, बेने से जो वर्ड बनते हैं वो आपका बनता है बेनेफैक्टर, क्या बनता है, बेनेफैक्टर। ठीक है, बेनेवोलेंट, बेनेफैक्टर, बेनेवोलेंट। ठीक है, बेनेवोलेंस बन जाता है इसी से। ठीक, बेनेडिक्शन बन जाता है आपका, सॉरी बेनेडिक्शन बन जाता है आपका, बेनेडिक्शन के बाद में आपका बन जाता है बेनिफिशियंट। ठीक है, या बेनिग्नेंट या बिनाइन, और बिनाइन देख रहे हो तो मेलाइन भी देख लेना। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से बेनिफिशियल, सारे मैं नहीं बता रहा हूं, इतने ही बता रहा हूं, ठीक है, सारे में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो बेनिफैक्टर का मतलब हो गया कि अ फैक्टर विच बेनिफिट्स यू। बेनिफैक्टर का मतलब क्या हुआ, फैक्टर विच बेनिफिट्स यू, जिससे तुम्हें फायदा पहुंच रहा है। सो बेनिफैक्टर इज अ पर्सन जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, अ पर्सन हु गिव्स यू प्रॉफिट, जिससे आपको कुछ फायदा हो रहा है उसे कहेंगे बेनिफैक्टर। ठीक है, बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट का या फिर बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंट क्या है, बेनेवोलेंट आपका एडजेक्टिव है और बेनेवोलेंस आपका क्या है, नाउन है। तो बेनेवोलेंस या फिर बेनेवोलेंट का मतलब हो गया जो दूसरों का भला चाहे, अ पर्सन हु इज वेल विशर ऑफ अदर्स, दूसरों का जो भला चाहता है उसे कहते हैं बेनेवोलेंट या बेनेवोलेंस। बेनेडिक्शन क्या होता है, बेनेडिक्शन जैसे आप प्रेयर करते हो तो भगवान की क्या करते हो, प्रार्थना करते हो, आप कुछ अच्छा चाहते हो, तो ब्लेस करना या प्रेयर करने के लिए आता है बेनेडिक्शन। बेनिफिशियंट मतलब लाभकारी है, जो प्रॉफिटेबल है दैट इज बेनिफिशियंट है। बेनिग्नेंट का मतलब भी हो गया विच इज, जिससे आपको फायदा हो रहा है। ठीक है, बेनिग्नेंट मतलब समवन हु इज वेरी काइंड, हु इज जेंटल, इज कॉल्ड बेनिग्नेंट। बिनाइन और मेलाइन, देखो मेलाइन का एक मतलब यह भी होता है किसी की छवि को खराब करना, किसी की इमेज को स्पॉइल करना, किसी की इमेज को स्पॉइल करना भी मतलब होता है मेलाइन का। लेकिन इसका एक मतलब ये भी होता है, जैसे कि आप कोई, मान लीजिए किसी को ट्यूमर है,
तो डॉक्टर उसे देखता है और कहता है कि ये बिनाइन है, ये मेलाइन है। बिनाइन है तो मतलब इट इज क्योरेबल, ये सही हो सकता है। विच इज क्योरेबल इज बेनाइन, एंड विच इज नॉट क्योरेबल इज कॉल्ड मेलाइन। जो सही नहीं किया जा सकता उसे कहते हैं आपका मेलाइन। बेनिफिशियल मतलब जो लाभकारी है, जो लाभ जो जिससे फायदा मिल सकता है, दैट इज कॉल्ड बेनिफिशियल। तो बिनाइन इज क्यूरेबल, मेलाइन इज नॉट क्यूरेबल। जैसे कैंसर है तो वो मेलाइन है, बिनाइन है तो वो सही हो सकता है। बाकी मेलाइन का एक मतलब ये भी है किसी की इमेज को स्पॉइल करना। ठीक, यहां तक बात समझ में आई सभी को या नहीं आई? और अगर किसी को लग रहा हो कि मैं ये समय बर्बाद कर रहा हूं, तो समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं। मेरी कोशिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा रूट वर्ड से वर्ड वोकैबुलरी सीख पाए। ठीक है, मैंने अपने ये प्लस कोर्स में पढ़ाया हुआ है तो मैंने आप लोगों को भी बता दिया इसलिए। ठीक, चलिए ये चीज समझ में आ गया। बेनिफिशियरी मतलब क्या हो गया? बेनिफिशियरी मतलब हो गया लाभकारी। जैसे आप क्या करते हो, बेनिफिशियरी ऐड करते हो अकाउंट में। बेनिफिशियरी क्या होता है? बेनिफिशियरी वो व्यक्ति होता है जिसको वो पैसा जाएगा, तो वो क्या है? लाभार्थी। इसे क्या कहते हैं? लाभार्थी। द पर्सन हु गेट्स प्रॉफिट इज कॉल्ड बेनिफिशियरी। ठीक, चलिए वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बिनाइन, बेनेवोलेंट सब समझ में आ गए। बिनाइन मतलब अच्छा, जेंटल हो गया। बेनेवोलेंट अच्छा चाहने वाला, बेनिफिशियल फायदा पहुंचाने वाला। चलो वेरी गुड। टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेम, टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग सेम, व्हाट इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? लिखा है क्रॉप, एडिट या अब्रिज। इसके लिए जो रूट, जो आपका वन वर्ड होता है वो होता है एब्रिज। एब्रिज ट्रंकेट, एब्रिज ट्रंकेट, या फिर आपका बॉर्डरलाइज। बॉर्डरलाइज एब्रिज ट्रंकेट बॉर्डरलाइज का मतलब होता है काट छाट करना, लेकिन उसके मूल रूप में कोई चेंजमेंट नहीं करना। तो टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेम इज कॉल्ड एब्रिज। एलेज का मतलब होता है दूसरे पर आरोप लगाना, एलिगेशन लगाते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं। क्रॉप करने का मतलब होता है फोटो को आप क्या करते हो, क्रॉप कर देते हो, तो साइड के लोग कट जाते हैं ना, तो वो क्रॉप करना होता है, फोटो क्रॉप की जाती है। एडिट भी आप फोटो को एडिट करते हो या आर्टिकल को एडिट करते हो। एडिट में आप पूरी आर्टिकल को काटते नहीं हो। एडिट का मतलब जैसे मान लीजिए ये पेज है, तो आप क्या करोगे, यहां से कॉमा हटा दिया, ये फुल स्टॉप हटा दिया, ये गिवन हटा दिया, दिस इज द एडिटिंग। ये एडिटिंग है आपका, एडिट आपका मतलब काटना नहीं है। तो इसके लिए जो अगर वर्ड क्या है, एब्रिज होता है। सही वर्ड क्या है? एब्रिज है। समझ में आया? एब्रिज ट्रंकेट या बॉर्डरलाइज का मतलब हो गया काट छाट करना। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ही विल पास द ड्राइविंग टेस्ट इफ ही ट्राइज हार्ड इनफ। ही विल पास द ड्राइविंग टेस्ट इफ ही ट्राइज हार्ड इनफ। व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? मैं थोड़ा सा इंतजार करूंगा एंड आई वुड लाइक दैट आप लोग आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? ही विल पास द ड्राइविंग टेस्ट इफ ही ट्राइज हार्ड इनफ। क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का बताइए? ही विल पास द ड्राइविंग टेस्ट इफ ही ट्राइज हार्ड इनफ। क्या आंसर होगा? एवरेज मीन्स कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है जैसे कंसाइज हो गया आपकी समरी, समराइज करना। एवरेज मतलब समराइज नहीं कर रहे हो आप, उसमें से कुछ चीजें निकाल रहे हो जिससे कि उसका मूल स्ट्रक्चर ना बदले। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका सी पार्ट, दैट इज नो इंप्रूवमेंट नीडेड। क्यों? क्योंकि आपका ये है कंडीशनल सेंटेंस। और ये कौन सा कंडीशनल है? ये फ्यूचर कंडीशनल है। कैसा सेंटेंस है ये? फ्यूचर कंडीशनल है। ठीक है, फ्यूचर कंडीशनल क्या होते हैं? फ्यूचर कंडीशनल मतलब इफ के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट, और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ में विल या फिर शैल आता है। तो चूंकि यहां विल शैल आया है, विल आया है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो सेंटेंस हमारा ऑलरेडी करेक्ट है, हमें कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो आंसर इस क्वेश्चन का सही होगा। हाँ आशु, ये तुम्हारे सही है। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस अगर पढ़ने हैं तो मेरी प्रोफाइल पर अभी जाओ, और अभी मेरी प्रोफाइल पर एक क्वेश्चन ये आपको दिखेगा, इजी अप्रोच टू लर्न कंडीशनल सेंटेंसेस फॉर एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल। ये फ्री क्लास है, एकदम फ्री है, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। आप इसमें जाके इस पर क्लिक कर लीजिएगा और ऑटोमेटिकली आप इसमें एनरोल कर लोगे। आपको कुछ करना नहीं होगा, सिर्फ आपको इस पर क्लिक करना होगा, और क्लिक करते ही एनरोल हो जाओगे। कल 1 से लेकर 2 बजे तक मैं पूरे कंडीशनल सेंटेंसेस आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। तो अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप इस पर्टिकुलर लिंक पे जाके क्लिक कर लीजिएगा। कल 1 से 2 बजे तक क्लास होगी। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आते। ऑक्सिलरी वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखने का तरीका ही होता है वर्ब के साथ, ऐसे ही लिखते हैं तो उस तरीके से लिखा गया है, इसमें क्या डाउट होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करना। अब तारीफ करने के लिए वर्ड क्या रखा? देखो एक तो कितना फुलिश काम किया है एग्जामिनर ने। ऊपर हमसे कर्टियस की स्पेलिंग पूछ रहा था और यहाँ देखो कर्टियस की सही स्पेलिंग भी दे दी है। तो ऊपर क्वेश्चन पूछा, नीचे आंसर भी दिया, तो उसी क्वेश्चन पेपर में आंसर भी हो गया। तो ये तो काफी इन्होंने गलत काम किया। कमेंडेबल की जो तारीफ के लिए वर्ड आता है क्या होता है? प्रेजवर्दी। तारीफ करना प्रेजवर्दी। ग्रेटफुल होना मतलब एहसान मंद होना। सेटिस्फाइंग बहुत अच्छा होना। कर्टियस किसी की तारीफ। कर्टियस मतलब आप अच्छा व्यक्ति होना, काइंड होना, जेंटल होना, उसके लिए आ जाएगा। ठीक है, सौम्य कल यहाँ पर लाइव नहीं, वो 1 से 2 बजे तक अनअकैडमी पे होगा, उस पर जाके कर सकते हो, फ्री है वो भी, उसके पैसे नहीं लगेंगे आपसे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ही वॉज सरप्राइज एट मी रिफ्यूजिंग हिज ऑफर। बताइए इसमें एरर बताइए, वेयर इज द ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस? ही वॉज सरप्राइज एट मी रिफ्यूजिंग हिज ऑर्डर। बताइए व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? ही वॉज सरप्राइज एट मी रिफ्यूजिंग हिज ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन में एरर है आपका। ही वॉज सरप्राइज एट तो बिल्कुल सही है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है? पैसिव। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? वॉज के साथ वर्ब की थर्ड लगती है। और सरप्राइज, एनॉयड, वेक्स्ड, इनके साथ आप एट लगाते हो, बाय नहीं लगाते हो। तो यहां एट लगा है, ये सही है। लेकिन ये जो रिफ्यूजिंग लिखा है गलत है। यहां क्या होना चाहिए? ही वॉज सरप्राइज एट मी फॉर रिफ्यूजिंग हिज ऑफर। तो जो एरर है वो है कहां? डी पार्ट में। एरर किस में हो जाएगा आपका? डी पार्ट में। At my refusing order, हाँ ठीक है, very good. He was surprised at me refusing की जगह हो जाएगा at my refusing, very good. ये क्या है? Gerund है आपका। और gerund के पहले क्या आता है? Possessive case आता है, very good. Gerund आ है और इसके पहले possessive case आता है। चूंकि ये किसकी तरह काम करता है? Noun की तरह। तो देख लो एक बार, sorry, देख लीजिए एक बार क्या होता है। He, she, you, ठीक है, I, we, इन सभी का possessive case क्या होता है? His, her, your, माय, ठीक है, आर, ये सभी के सभी क्या हैं? ऑल ऑफ देम आर पजेसिव एडजेक्टिव। दीज आर नॉट पजेसिव प्रोनाउन, ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं। और अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव हैं तो ये अपने साथ में क्या लेते हैं? नाउन लेते हैं। और वो नाउन कैसे काम करता है? पजेशन के रूप में काम करता है। चूंकि ये जीरंड है और जीरंड किस तरीके से काम करता है? नाउन की तरह। ये क्या है? पजेशन है। और पजेशन बताने के लिए मुझे पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना होगा, इसलिए मैं यहाँ माय लिखूंगा। ठीक है, हाँ पिछले वाले में बताया तो प्रेजवर्दी होगा, बिल्कुल मैंने यही तो बताया, मैंने और कुछ थोड़ी बताया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है एंटोनिम बताना है मोरोज का। एंटोनिम बताना है मोरोज का। तो मोरोज का एंटोनिम क्या होता है? मोरोज मतलब हो गया कि जिसमें मनहूसियत छाई रहे। तो मोरोज का एंटोनिम क्या हो गया आपका? ग्लूमी इज द एंटोनिम फॉर द वर्ड मोरोज। ग्लूमी इज द एंटोनिम फॉर द वर्ड मोरोज। चीयरफुल मतलब खुश होना, सिक मतलब बीमार होना, टेस्टलेस मतलब जिसमें कोई टेस्ट ना आ रहा हो। तो ग्लूमी इज द राइट आंसर फॉर दिस एंटोनिम। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी एंटोनिम पूछ रहा था, आई एम सॉरी, मेरे से भी देखो वही गलती हो गई जो आप लोग करके आते हो। सॉरी यहां पर एंटोनिम पूछा है। एंटोनिम का मतलब हो गया मुझे एंटोनिम मार्क करना है। मोरोस मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोरोस? मोरोस मतलब होता है सिनोनिम मार्क कर दिया मैंने। आंसर होगा यहां पर चीयरफुल इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी माय बैड। चलिए देखो डिनाय जो होता है, अगर आपको डिनाय और इसमें अगर कंफ्यूजन है तो लेट मी क्लियर दिस एज वेल। देखो मैं आपको बता दूं, जो डिनाय किया जाता है वो किया जाता है चार्जेस से। डिनाय किया जाता है चार्जेस से, ठीक है, और रिफ्यूज किया जाता है किसी की हेल्प करने से। रिफ्यूज किया जाता है, बता देता हूं डिनाय क्यों नहीं होगा और रिफ्यूज क्यों नहीं होगा, मैं ये भी बता देता हूं। देखो डिनाय किया जाता है चार्जेस से। डिनाय किससे करते हो आप? चार्जेस से करते हो। और रिफ्यूज किससे करते हो आप? किसी की हेल्प करने से मना करते हो तो आप क्या करते हो? रिफ्यूज करते हो। ठीक, तो आप सीधे याद रखो कि रिफ्यूज किया जाता है किसी की मदद करने से और डिनाय किया जाता है किसी चार्जेस से। किसी के आप मतलब किसी ने आपके ऊपर कुछ आरोप लगाया और आप उससे मना कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? डिनाय करोगे। ठीक है, तो किसी की मदद करने से, किसी पर आपने कोई आपने किसी आप पर किसी ने कोई आरोप लगाया है तब वो मना कर रहा है तो क्या कर रहा है? डिनाय कर रहा है। और आप किसी की मदद करने से मना कर रहे हो तो क्या करते हो आप? रिफ्यूज करते हो। ठीक है, तो रिफ्यूज समबडी हेल्प, डिनाय फ्रॉम चार्जेस, ठीक है, याद रखेंगे। और किसी का ऑफर अगर डिक्लाइन करते हो तो वर्ड आता है डिक्लाइन समबडीज ऑफर। ठीक है, डिक्लाइन यूज होता है ऑफर के लिए बेसिकली। ठीक है, तो डिक्लाइन इज यूज फॉर ऑफर। और आपका चार्जेस से मना करने के लिए डिनाय आ जाता है, रिफ्यूज आता है किसी की हेल्प से मना करने के लिए। ठीक, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स। और यहां पर जो एरर थी इस क्वेश्चन में ऊपर वाले में,
रिफ्यूट भी होता है आपका चार्जेस, डिनाई और रिफ्यूट दोनों ही चार्जेस के लिए आ जाता है, ठीक है, ये मैंने बताया है अपनी क्लास में। कहता है ही वॉज सरप्राइज एट माई रिफ्यूजिंग इज ऑफर, उसका ऑफर को ठुकराया है। ऑफर यानी कि हेल्प, ऑफर आपका डिक्लाइन ऑफर भी कर सकते हो वैसे तो डिक्लाइन भी आना चाहिए, लेकिन पॉइंट देखो ये है यहाँ पर यार, वो ग्रामेटिकल एरर पूछ रहा है, वो हमसे इंप्रूवमेंट नहीं मांग रहा, वो हमसे फिलर नहीं मांग रहा। अगर वो फिलर मांगता है, मान लीजिए वो यहाँ ब्लैंक छोड़ता है और फिर ऑप्शन में मुझे देता है, तब मैं उस चीज़ के बारे में सोचूंगा कि रिफ्यूजिंग होगा, डिनाइंग होगा, रिफ्यूट होगा या क्या होगा। लेकिन यहाँ पर ब्लैंक तो छोड़ा नहीं उसने, उसने तो सीधे सीधे मुझसे ग्रामेटिकल एरर पूछी है, और वो ग्रामेटिकल एरर क्या है कि यहाँ पर जीरेंड के पहले मैंने पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आंसर डी क्वेश्चन में होगा। ये बात समझ में आई? खंडन करना किसी चीज का, यस खंडन करना, हाँ भाई कोई खानदान करना क्या लिख रहे हैं आप समझ रहे हैं, हाँ खंडन करना सही। ये क्वेश्चन हो गया था हमारा, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एंटोनिम बताना है होस्टाइल का। होस्टाइल मतलब क्या होता है? दुश्मनी होना, किसी से वैमनस्यता होना, एनिमोसिटी होना, क्या होना? एनिमोसिटी होना, ठीक। तो किसी से एनिमोसिटी होती है तो होस्टाइलनेस होती है, तो होस्टाइल के लिए जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? फ्रेंडली हो जाना। रेबेल करने का मतलब होता है बागी होना, जैसे रेबेलियंस होते हैं बागी होते हैं, इतना बागी हो गया है, वो अपने सोन चिरैया मूवी देखी हो या पान सिंह तोमर देखी, तो देवर रेबेलियंस, वो बागी थे एक्चुअली में, ठीक। अगला क्वेश्चन कहता है एग्रेसिव। एग्रेसिव बहुत ही एग्रेसिव होना कुछ चीज में, फोर्सफुल मतलब फोर्स लगाना। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है अ प्लेस वेयर क्वाइन आर मेंट, अ प्लेस वेयर क्वाइंस आर मेड, क्वाइंस जहां बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसके लिए जो वर्ड होता है आपका मिंट, ठीक है। मिंट मतलब होता है कि जहां पर क्वाइंस बनते हैं, और अगर किसी वस्तु के लिए लिखा जाए इन अ मिंट कंडीशन, अगर किसी चीज के लिए लिखा जाए इन अ मिंट कंडीशन, तो मतलब होता है एकदम फ्रेश कंडीशन में। अगर कोई चीज एकदम फ्रेश कंडीशन में है तो उसके लिए हम लिख सकते हैं दैट इज इन अ मिंट कंडीशन, ठीक है। तो अ प्लेस वेयर क्वाइंस आर मेड इज कॉल्ड मिंट्स, मिंट बोलते हैं जहां पर क्वाइंस बनते हैं आपका, ठीक है। रोलिंग इन मनी, समबडी इज रोलिंग इन मनी, मतलब हो गया पैसे में नहा रहा है, पैसे खूब आ रहा है उसके पास, तो दैट इज कॉल्ड रोलिंग इन मनी। मिंट मतलब मिंट कंडीशन में होना, फ्रेश होना, मिंट मतलब हो गया जहां पैसे बनते हैं। बैंक आपका पता है जहां पैसे होता है, एक्सचेंज आपको पता है, रिजर्व फॉरेन रिजर्व जहां पैसे रखे जाते हैं। चलो अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। अब देखो कल के क्वेश्चन में पूछा गया था वहां जहां पे बर्ड्स रखी जाती हैं। अगला क्वेश्चन आगे बीज, तो कल हमने पढ़ा था क्या, एवियरी मतलब हो गया बर्ड्स, अपियरी मतलब हो गया बीज, आंसर हो गया अपियरी, ठीक है। चलिए समझ में आया, तो बीज रखने के लिए जो वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अपियरी। ये कल मैंने आपको बताया था, कल सेम क्वेश्चन आया था, तो इससे ये समझ में आ रहा है कि कई सारे आपके इस तरीके के क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, तो जो जब भी जैसे ही पेपर शुरू हो और जो ये मेमोरी बेस्ड पेपर बाहर आना शुरू हो, आप लोग इनको जरूर देखिएगा, ठीक है। मेमोरी बेस्ड पेपर बाहर आना जैसे ही शुरू होते हैं आप उनको देखना शुरू करिएगा, क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। ऑर्चर्ड मतलब होता है बागान, ग्रुप ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड दैट, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहता है ही स्पेंड्स गुड डील ऑफ मनी ऑन ईटिंग आउट, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ही स्पेंड्स गुड डील ऑफ मनी ऑन ईटिंग आउट, व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन? He spends good deal of money on eating out. इस क्वेश्चन में देखो he क्या है, आपका प्रोनाउन है, ये है वर्ब के साथ SAIS लगा है, good क्या है एडजेक्टिव है, deal क्या है नाउन है, money क्या है नाउन है, on क्या है प्रीपोजिशन है, eating मतलब आपका यहाँ gerund है, out मतलब पोजिशन के बारे में बता रहा है, सॉरी एडवर्ब है आपका, कहाँ खा रहा है तो एडवर्ब हो गया, ठीक। अब बताइए आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? आउट आपका एडवर्ब नहीं है, आउट आपका एडजेक्टिव है बेसिकली। चलो तो आंसर इस क्वेश्चन का है आपका डाइनिंग आउट नहीं, क्योंकि यहां पर क्या आया है? नाउन आया है, और अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहीं पर आता है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन कहीं आता है उसके पहले मैंने एडजेक्टिव लगा दिया, तो उसके पहले मुझे आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका यूज करना पड़ेगा? आर्टिकल का। चूंकि यहां पर आर्टिकल नहीं लिखा है तो मुझे लिखना पड़ेगा ही स्पेंड्स अ गुड डील ऑफ मनी। What should be the answer? He spends a good deal of money on eating out. He spends a good deal of money on eating out. वो काफी अच्छा खासा पैसा खर्चता है खाने पे। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का डी। ईटिंग आउट डाइनिंग आउट दोनों सही है। मेन आंसर होगा अ गुड डील ऑफ मनी इज द राइट आंसर। समझ में आया? इस क्वेश्चन में किसी को कोई इश्यू तो बताइए। He spends a good deal of money in on eating out. तो यहां पर हो जाएगा He spends a good deal of money on eating out. गुड डील के पहले ए लग जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? बताइए समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
एफ्लुएंट, देखो दो वर्ड होते हैं आपका, एक होता है एफ्लुएंट, एक होता है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट होता है आपका जो गंदगी बहाई जाती है, जो कूड़ा करकट बहाया जाता है नदियों में, दैट इज कॉल्ड एफ्लुएंट। जो नदियों में कूड़ा करकट बहाया जाता है दैट इज कॉल्ड एफ्लुएंट। और एफ्लुएंट क्या होता है, एफ्लुएंट इज रिच वेल टू डू, एफ्लुएंट इज रिच वेल टू डू, जिसके पास अथाह पैसा, खूब सारा पैसा है, उसके लिए आता है। तो एफ्लुएंट का जो सिनोनिम पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, वेल्दी। जॉयस मतलब जो खुश है, क्लेवर मतलब कनिंग चतुर है, स्ट्रांग मतलब स्टडी खूब ताकतवर है। तो एफ्लुएंट का आंसर क्या हो जाता है, वेल्दी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द मैन हु सी द एक्सीडेंट टू अकर टेलीफोन्ड द पुलिस, द मैन हु सी द एक्सीडेंट टू अकर टेलीफोन्ड द पुलिस। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से, मैं इसमें थोड़ा सा इंतजार करूंगा एंड आई वुड लाइक कि आप में से ज्यादातर लोग आंसर दो। द मैन हु सी द एक्सीडेंट टू अकर टेलीफोन्ड द पुलिस, व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन बताइए। द मैन हु सी द एक्सीडेंट टू अकर टेलीफोन्ड द पुलिस, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। द मैन हु सी द एक्सीडेंट टू अकर टेलीफोन्ड द पुलिस, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इसका बताइए जल्दी से। द मैन हु सी एक्सीडेंट द टू अकर टेलीफोन्ड द पुलिस बताइए। हु सॉ द एक्सीडेंट टू अकर, हु सॉ द एक्सीडेंट वॉज अकरिंग, हु हैड सीन, या फिर नो इम्प्रूवमेंट, व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, आंसर बताइए। हाँ, भाविया इज सेइंग ए, ऋषभ इज सेइंग बी, निगम इज सेइंग बी, अजमल इज सेइंग बी, एंड रुचि इज सेइंग हैड सीन, एनीवन एल्स, पास्ट ऑफ पास्ट, वेरी गुड। भाविया यू नीड टू रिवाइज द रूल्स, क्या प्रॉब्लम हो गया यहाँ पर भाई। पास्ट की दो घटनाएं, जब पास्ट की दो घटनाएं होंगी तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होगा। दो घटनाएं हुई हैं, पहले एक्सीडेंट हुआ फिर उसने फोन किया है, तो जो घटना पहले होगी उसमें आएगा पास्ट परफेक्ट, जो घटना बाद में होगी उसमें आएगा पास्ट इंडेफिनिट। फोन उसने बाद में किया, एक्सीडेंट होते हुए उसने पहले देखा, तो यहां पर सिंपली क्या हो जाएगा, हु हैड सीन द एक्सीडेंट अकर, एक्सीडेंट टू अकर, ये मेरे टाइपिंग मिस्टेक है, एक्सीडेंट टू अकर टेलीफोन द पुलिस। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बी पार्ट, ठीक है। तो बी शुड बी द आंसर, इट वॉज द इजी वन, आई होप यू गॉट इट। चलिए, जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हिज न्यू जॉब इज कनेक्टेड डैश डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर टीचिंग, हिज न्यू जॉब, हाँ पास्ट की दो इवेंट हो रहा है, हिज न्यू जॉब इज कनेक्टेड डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर टीचिंग बताइए। कनेक्टेड फ्रॉम, कनेक्टेड बाई, कनेक्टेड अबाउट, या कनेक्टेड विद। आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, इट विल बी सिंपली कनेक्टेड विद डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर टीचिंग, हिज न्यू जॉब इज कनेक्टेड विद डेवलपिंग सॉफ्टवेयर फॉर टीचिंग। तो कनेक्टेड के साथ या तो टू आता है या विद आता है, तो यहां पर ऑप्शन में विद रखा था तो हमने विद लगा दिया, ठीक। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कहता है मिस्टर शर्मा मे बी लेट बट आई एम श्योर मिस्टर कपूर डैश बी, तो कुड बी, कैन बी, वॉन्ट बी, या वुड बी, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। दिस इज द ट्रिकी वन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। मिस्टर शर्मा मे बी लेट बट आई एम श्योर मिस्टर कपूर डैश बी, थोड़ा सा ट्रिकी जरूर था, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, एमबी पब्लिकेशन अगर आपने लगाया होगा, हाँ कनेक्टेड टू होता है, आई नो, मैंने भी बताया कनेक्टेड टू ही होता है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास विद रखा है, तो भाई जो मोस्ट सुटेबल होगा हम उसको लगा देंगे। मैंने भी देखो यहाँ टू ही लिखा हुआ है, लेकिन जब आपका यहाँ पर सुटेबल है तो आपको विद ही लगाना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिस्टर शर्मा मे बी लेट बट आई एम श्योर मिस्टर कपूर डैश बी बताइए, ऑप्शन बताइए। इस क्वेश्चन को जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर करा होगा वो बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यस, वेरी गुड रुचि, आंसर विल बी वोंट बी, विल बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मे बी आया है, वो लेट हो सकते हैं, बट आई एम श्योर मिस्टर कपूर वोंट बी विल बी द राइट आंसर। मे बी के जो आपको यहाँ पर एक तरीके से क्वेश्चन टैग वाली बात आ जाती है, जब क्वेश्चन टैग की बात है तो यहाँ पर आपको फ्यूचर में बनाना पड़ेगा, दैट इज ही वोंट बी विल बी द राइट आंसर। वुड हो नहीं सकता, कुड हो नहीं सकता, बनाना निगेटिव है, कांट भी नहीं होगा, इट विल बी वोंट बी विल बी द राइट आंसर, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। कांट भी गलत होगा, वोंट भी होगा, इसके पीछे आपका क्वेश्चन टैग का कॉन्सेप्ट होता है, वो आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड दैट इज बॉन्डेज। बॉन्डेज का मतलब सिंपल याद रखो, बॉन्डेज इज रिलेटेड टू बैंडेज। बैंडेज करोगे तो क्या करोगे, किसी को बांध दोगे, तो बॉन्डेज मतलब बाधा, किसी को बांध दिया आपने। एंटोनिम पूछ रहा है बांधने का मतलब खोलना, खोलने का मतलब क्या हो गया, लिबर्टी इज द राइट वर्ड हियर, ठीक है। अफेक्शन मतलब किसी से अफेक्शन होना, लव होना। वेल्थ मतलब हो गया पैसा होना। स्लेवरी मतलब बहुत सारे, स्लेवरी मतलब आपको बताइए, स्लेवरी दास प्रथा होती है, तो आंसर विल बी लिबर्टी हियर, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन कहता है अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी, ठीक है, अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़े बहुत रूट वर्ड्स की नॉलेज होना जरूरी है। इसमें जो रूट वर्ड आपका चाहिए है, वो रूट वर्ड इसमें जो चाहिए है वो है आपका ग्राफ, ठीक है। जैसे आपके तीन आपके रूट वर्ड होते हैं, वन ऑफ देम इज द ग्राफ, ठीक है, मीटर या स्कोप। अगर ये किसी में लगा है तो इसका मतलब होता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, मेजर करना, ठीक है। तो आपका किसी भी चीज का इंस्ट्रूमेंट या फिर मेजर करने के लिए होगा तो आपका ये होगा स्कोप, बेसिकली होगा टू व्यू, स्कोप होगा टू व्यू, मीटर बेसिकली होगा टू मेजर, ठीक है, और ग्राफ बेसिकली होगा टू डिस्प्ले। ग्राफ क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, मीटर मेजर करेगा, स्कोप व्यू करेगा। अब सिंपल सी बात है, जैसे कि आपके वर्ड बनते हैं, मैंने कहा आपसे बैरोग्राफ, मैंने क्या कहा बैरोग्राफ, तो बैरोग्राफ में आपका वर्ड आया बैरो और फिर आया ग्राफ। बैरो का मतलब क्या होता है, प्रेशर, और ग्राफ मतलब टू मेजर। तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करेगा उसे कहेंगे आपका बैरोग्राफ, ठीक है। अब आ जाता है कार्डियोग्राफ। कार्डियो मतलब क्या होता है, कार्डियो जिसमें लगेगा उसका मतलब हार्ट से रिलेटेड है, उसी से एक वर्ड बनता है कॉर्डियल। कॉर्डियल मतलब क्या होता है, बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही मित्रवत है, एमिकेबल है, एमिएबल है, तो आपका हो जाता है अच्छा, बहुत ही फ्रेंडली होने के सेंस में आ जाता है। तो कार्डियोग्राफ आपका आया तो ये क्या करेगा, कार्डियो के बारे में बताएगा, यानी हार्ट के डिस्प्ले, मूवमेंट ऑफ हार्ट बताएगा। ये क्या बताता है, मूवमेंट ऑफ हार्ट बताता है। आपने देखा होगा ना पुरानी फिल्मों में वो जिग जैग करके जो लाइन चलती थी कि टी 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 और फिर टी हो जाता था, तो दैट इज कार्डियोग्राफ होता है वो, ठीक। मीटर का देख लेते हैं, ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर आपने खूब देखा होगा, कहाँ देखा होगा, आप सभी लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो ओडोमीटर जो आपका व्हीकल्स में लगा होता है, ओडो मतलब जो आपका वर्ड होता है, देर इज अ रूट वर्ड हेयर दैट इज होडोस, होडोस का मतलब होता है जर्नी। तो ये जो व्हीकल में डिवाइस में, जो व्हीकल में जो डिस्टेंस मेजर करने के लिए जो डिवाइस लगी होती है, डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस इज कॉल्ड ओडोमीटर, हाँ जी, ठीक। इसी से आपका एक वर्ड होता है क्रायोस्कोप। क्रायोस्कोप क्या होता है, क्रायोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या मेजर करता है, फ्रीजिंग पॉइंट मेजर कर देता है, ठीक है। और टेलीस्कोप आपको पता है, टेलीस्कोप आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखता है। जरा वापस आ जाते हैं, ग्राफ का एक मतलब आपका ये भी हो गया, ग्राफर, ग्राफर जो होगा मतलब जो लिख रहा है, लिखने से भी रिलेटेड होता है। ग्राफ का एक मीनिंग लिखना भी होता है, टू राइट भी होता है आपका, ठीक। तो फोनोग्राफ साउंड करेगा, एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो लेक्सिकोग्राफ क्या है, लेक्सिक, लेक्सिक का मतलब होता है डिक्शनरी, लेक्सिस, लेक्सिस का मतलब होता है डिक्शनरी, लेक्सिस, एल ई एक्स आई एस का मतलब होता है डिक्शनरी। तो लेक्सिकोग्राफर क्या हो गया, वन हु कंपाइल्स द डिक्शनरी, आंसर हो गया ए पार्ट। कार्टोग्राफर क्या हुआ, कैलीग्राफर क्या होता है, कैलीग्राफर हो गया जो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग होती है, जिसकी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग होती है उसको कहते हैं आपका कैलीग्राफर। और एक होता है वर्ड इसी से आता है कैकोग्राफर। कैकोग्राफर क्या करता है, कैलीग्राफर ब्यूटीफुल हो गया तो कैकोग्राफर कैसा लिखेगा, गंदा लिखेगा, तो दैट इज बैड हैंडराइटिंग। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ कंप्यूटर पे लिखता हूँ, मैं, मेरी हैंडराइटिंग यहाँ पे अच्छी नहीं बनती, तो दिस इज आपका कैकोग्राफर। कोरियोग्राफर क्या करता है, कोरियोग्राफर डांस को कोरियोग्राफ करता है, डांस को बताता है कैसे करना है। कार्टोग्राफर क्या करता है, मैप के बारे में बताता है, तो ये कार्टोग्राफर करता है, ठीक। चलिए, वेरी गुड, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है नेक्स्ट वीक आई डैश विजिटिंग माई फ्रेंड एंड स्टेइंग विद हिम फॉर अ डे, इंटेंडेड, इंटेंडिंग, इंटेंड्स या फिर इंटेंड। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीक आई डैश विजिटिंग माई फ्रेंड एंड स्टेइंग हिम विद हिम फॉर अ डे, आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा। हाँ, कोरियोग्राफ मूवी या डांस वगैरह जो करते हैं, बताइए। तो नेक्स्ट वीक आई डैश विजिटिंग माई फ्रेंड एंड स्टेइंग विद हिम फॉर अ डे, तो इसमें सिर्फ आपको सही पार, सही आपको वर्ब की फॉर्म लगानी है, कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पर सही बैठेगी, सिर्फ आपको वो लगानी है कि नेक्स्ट वीक आई डैश विजिटिंग माई फ्रेंड स्टेइंग देयर। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, व्हाट शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द आंसर, यस, तो आई आया है, तो देखो यहां पर आप इंटेंडिंग इसलिए नहीं लगा सकते, आई एम अगर लिखा होता इसने तो आई एम इंटेंडिंग हो जाता, लेकिन एम तो लगा नहीं है इसलिए ये नहीं होगा,
आई के साथ में वर्ब के साथ एस आई एस नहीं लग सकता तो ए भी नहीं हो सकता. नेक्स्ट वीक की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, तो भाई पास्ट का सेंटेंस भी नहीं लग सकता तो इंटेंडेड भी नहीं हो सकता. आंसर विल बी ओनली डी, इंटेंड हो जाएगा. एक चीज इससे और सीखने को मिलती है, क्या कि ये सेंटेंस किसमें बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना. किसमें बना? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना. प्रेजेंट इंडेफिनिट में का यूज हम फ्यूचर के फिक्स्ड प्लान को बताने के लिए भी करते हैं. फ्यूचर के फिक्स्ड प्लान को बताने के लिए करते हैं. साथ ही साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी यूज करते हैं. ऐसा नहीं सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी करते हैं. ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज फ्यूचर के फिक्स्ड प्लान को बताने के लिए भी करते हैं. तो नेक्स्ट वीक आई इंटेंड विजिटिंग माई फ्रेंड एंड स्टेइंग विद हिम फॉर अ डे विल बी द राइट आंसर. चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. इफ द कार हैडंट ब्रोकन डाउन वी विल बी एट द ऑफिस नाउ. तो बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा. इफ द कार हैडंट बीन ब्रोकन डाउन, हैडंट ब्रोकन डाउन, वी विल बी एट द ऑफिस नाउ. आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा. तो बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन. देखो इसीलिए मैं बता रहा हूं, कल जो मेरी स्पेशल क्लास है वो इसीलिए पास्ट कंडीशनल पे है. इसी पेपर को आपने देख लिया, दो क्वेश्चन आए हैं आपके पास्ट कंडीशनल सेंटेंसेस पे. ये किसमें है? पास्ट कंडीशनल में. पास्ट कंडीशनल कहता है अगर ये पहला सेंटेंस हैड प्लस वर्ब थर्ड से है तो अगला सेंटेंस वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, इनमें से बनेगा. कुड हैव या फिर शुड हैव के साथ में वर्ब थर्ड से बनेगा. ये किसमें बना है? पास्ट कंडीशनल है, हैड प्लस वर्ब थर्ड है. तो यहां क्या होगा? वी वुड हैव बीन, वी वुड हैव बीन एट द ऑफिस नाउ. तो आंसर विल बी वी वुड हैव बीन. वी वुड भी नहीं, वी वुड हैव बीन. ठीक है, ये है पास्ट कंडीशनल सेंटेंस आपका. इसलिए आंसर होगा इसका डी पार्ट. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो वी वुड हैव बीन विल बी द राइट आंसर. कंडीशनल सेंटेंसेस है, अगर कंडीशनल सेंटेंसेस डिटेल में पढ़ने हैं तो अभी जाके, फ्री क्लास है, कल 1 से 2 बजे तक सेशन होगा, इसमें जाके एनरोल कर लो. ठीक है, अगला क्वेश्चन है. सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड दैट इज असेंबल. तो देखो थोड़े टाइम पहले जो ना, अब जो कंप्यूटर लैपटॉप ले रहे हो सभी लोग, पहले थोड़े समय पहले क्या होता था कि हम लोग कंप्यूटर्स डेस्कटॉप लेते थे. तो डेस्कटॉप में वो क्या कहता था कि आपको कैसा कंप्यूटर चाहिए, पूरा चाहिए, असेंबल्ड चाहिए. असेंबल्ड में क्या करता था, मॉनिटर लगा देता था LG का, CPU किसी और का, मदरबोर्ड किसी और का, हार्ड ड्राइव किसी और की, अलग अलग कंपनी की सारी चीज़ें वो असेंबल कर देता था. तो उसी कहते थे. वन रिक्वेस्ट, कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स करा दीजिए, क्वेश्चन बन रहे हैं. ओके, करवा देंगे. चलो, असेंबल का एंटोनिम पूछा. तो असेंबल का मतलब क्या हो गया? गैदर करना. तो गैदर करना इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया. रिजेंबल करना, रिजेंबल के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता. रिजेंबल डज नॉट टेक एनी प्रीपोजिशन. जो याद रखना है रिजेंबल के लिए वो ये रखनी है. ठीक है, क्रिएट नहीं होगा. डिस्पर्स मतलब होता है फैला देना. तो एंटोनिम मतलब क्या हो जाएगा? डिस्पर्स, फैला देना विल बी द राइट आंसर. ठीक, अगले क्वेश्चन पे होगा. द चिल्ड्रेन हैड मेड अ मेस ऑन द फ्लोर सो आई आस्क्ड सना टू क्लीन डैश अप. द चिल्ड्रेन हैड मेड अ मेस ऑन द फ्लोर सो आई आस्क्ड सना टू क्लीन डैश अप. अब देखो यहां पर आपको क्या लिखना है, प्रनाउन चाहिए आपको. ठीक है, दो ऑप्शन दिए हैं, दे, इट्स, देम और इट. तो इट्स तो होगा नहीं क्योंकि यहां पर आपको पोजिशन का तो चाहिए नहीं, पोजिशन की तो कोई बात है नहीं, तो चाहिए नहीं. चाहिए कौन सा है? ऑब्जेक्टिव केस. थिंग्स के लिए जो प्रनाउन यूज होता है वो कौन सा चाहिए होता है? इट. इट यूज होता है सिंगुलर में और दे यूज होता है प्लूरल में. ठीक है, सिंगुलर की बात करते हैं तो इट होता है और प्लूरल की बात करते हैं तो दे होता है. जैसे कि टाइगर, टाइगर्स अटैक्ड ऑन हिम. और अब अगर इन्हीं के लिए मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा दे वर लुकिंग फियर्स. दे वर लुकिंग फियर्स, बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे. ठीक है, तो दे किसके लिए यूज किया है? टाइगर्स के लिए किया है. टाइगर्स क्या है? प्लूरल है. तो यहां पर जो हमारे जो यहां लिखना है वो किसके लिए लिखना है? मेस के लिए लिखना है. मेस कैसा है? सिंगुलर है. तो सिंगुलर के हिसाब से यहां क्या आ जाएगा? क्लीन इट अप विल बी द राइट आंसर. आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी पार्ट. समझ में आया? क्लीन इट अप विल बी द राइट आंसर. देम नहीं, इट होगा ना, क्योंकि देम क्यों होगा यहां पर? सब्जेक्ट अब मेस आया है. अगर किसी के पहले आ लगा है तो वो सिंगुलर है, साफ सीधी बात है. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. नीदर मोहित नॉर रोहित वर देयर एट द शॉप व्हेन आई वेंट देयर. तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है. अगर कभी भी नीदर नॉर का इस्तेमाल होता है
तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? नियरर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है. किसके अकॉर्डिंग आता है? नियरर सब्जेक्ट. नियर यहां पर क्या है? रोहित है. तो रोहित के हिसाब से क्या हो जाएगा यहां पर? वॉज हो जाएगा. तो इट विल बी नीदर मोहित नॉर रोहित वॉज देयर एट द शॉप व्हेन आई वेंट देयर. ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अच्छा ठीक है, सॉरी. ठीक ठीक, वो मुझे दिखता नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए आई एम सॉरी. आगे से देख लिखेंगे. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. इट इज नॉट वाइज रिलाइंग टू एनीबडी टू मच. इट इज नॉट वाइज रिलाइंग टू एनीबडी टू मच. बताइए इस क्वेश्चन का. इट इज नॉट वाइज रिलाइंग टू एनीबडी टू मच. व्हाट शुड बी द आंसर? क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का बताइए. इट इज नॉट वाइज आपका नियरर होगा. दो चीजें होती है इसलिए मैं नियरर बोलता हूँ, नियरेस्ट नहीं बोलता हूँ. इट इज नॉट वाइज रिलाइंग टू एनीबडी टू मच. क्या आंसर होगा? देखिए, इट इज नॉट वाइज टू रिलाय ऑन एनीबडी टू मच. तो आंसर विल बी व्हाट? इट इज नॉट वाइज टू रिलाय ऑन एनीबडी टू मच विल बी द राइट आंसर. रिलाइंग एट नहीं, रिलाइंग इन नहीं. आंसर होगा इट इज नॉट टू रिलाय ऑन. रिलाय ऑन, रिलाय को रिलाय ऑन, काउंट ऑन, बैंक ऑन, मतलब होता है किसी पर डिपेंडेंट होना, किसी पर निर्भर होना. तो रिलाय ऑन, काउंट ऑन, बैंक ऑन सभी के लिए क्या आ जाएगा? किसी पर निर्भर होने से आ जाएगा. तो यहाँ आंसर हो जाएगा रिलाय ऑन. ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अगला क्वेश्चन कहता है आई एम फेड अप विद हिज फॉल्स प्रोमिसेस. आई एम फेड अप विद हिज फॉल्स प्रोमिसेस. तो किसी के फॉल्स प्रोमिसेस से अगर आप फेड अप हो तो मतलब क्या हुआ? आप उससे परेशान हो गए हो. तो फ्यूरियस होता है एंग्री होने के लिए, गुस्सा होने के लिए. प्लीज्ड होता है खुश होने के लिए, हैप्पी होने के लिए. हैप्पी होने के लिए आप आता है होपफुल होता है, आशावान होने के लिए. तो फेड अप हुए तो मतलब निगेटिव वर्ड है. निगेटिव वर्ड यहाँ पर एक ही है आपका, इस सेंस में आंसर हो जाएगा डिसगाइज्ड. सॉरी, एक्चुअली में इस इज डिसगाइज्ड गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पर टाइप करने. ये हो जाएगा डिसगस्टेड. आई एम डिसगस्टेड विल बी द राइट आंसर. इट विल बी आई एम डिसगस्टेड विल बी द राइट. यहाँ पर ये जो लिखा है वो होगा डिसगस्टेड. डिसगाइज्ड मतलब होता है, डिसगाइज मतलब होता है किसी का भेष बदलना, दूसरा रूप धारण करना, दैट इज कॉल्ड डिसगाइज. ठीक है, और इससे रिलेटेड एक idiom होता है, दैट इज व्हाट? ब्लेसिंग इन डिसगाइज. ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ब्लेसिंग इन डिसगाइज क्या होता है? देखो यार, ब्लेसिंग इन डिसगाइज को ऐसे समझो, मान लो आपके आपको क्या कहते हैं, मान लो आपको किसी लड़की ने प्रपोज किया, और लड़की मान ले किसी लड़के ने प्रपोज किया, तो आपने कहा कि मैं नहीं, मैं आपके साथ रिलेशन में नहीं आ सकता क्योंकि आपसे ना मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, मेरी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं आ सकता. बट आपने क्या किया, बट उसने कहा नहीं नहीं, इंसिस्ट किया और आप दोनों रिलेशनशिप में आ गए. तो आपने सोचा था कि पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, बट वो भी SSC की एस्पिरेंट निकली और वो आपको मदद करने लगी पढ़ाई में, वो आपकी मदद करने लगी पढ़ाई में. तो ये क्या हुआ? दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. तो मतलब हो गया अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून, अनएक्सपेक्टेड फॉर्चून. तो मतलब जहां आपने सोचा था कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, उल्टा वो हुआ क्या, अच्छा निकलने लगा. तो दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिसगाइज. ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, छुपा हुआ ब्लेसिंग समझ लो, जैसे भी समझ लो. ठीक, तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज मतलब आपका छुपा हुआ डिसगाइज, आप जैसे भी समझ लो. ठीक, अजेजेंटिक स्टैचू, अजेजेंटिक स्टैचू, कल मैंने इसका मीनिंग बताया था. अजेजेंटिक स्टैचू, कल मैंने इसका जो वर्ड है वो मैंने कल बताया था क्लास में. बताइए जल्दी से, अजेजेंटिक स्टैचू क्या होगा आंसर इस क्वेश्चन का? अजेजेंटिक स्टैचू, हाँ, अजेजेंटिक स्टैचू क्या होता है? कल मैंने कराया है ये क्लास में. अजेजेंटिक स्टैचू इज वॉट? कल मैंने क्लास में कराया था, कोलोसल कराया था. कोलोसल काजल होता है जिसका काम होता है, जो जिससे आंखें बड़ी लगने लगती है. तो क्या हो जाएगा? कोलोसस विल बी द राइट आंसर. जेजेंटिक हो जाएगा कोलोसल. साइटेडल मैंने बताया था, कल भी वाले एग्जाम में भी आया था, आज में भी आया है. साइटेडल क्या होता है? अ फोर्ट्रेस ऑन अ हाई ग्राउंड इज कॉल्ड साइटेडल. कैसल किले के लिए आता है, कॉलम आपको पता है. चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. कहता है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताओ. ड्रिबल, ड्रेडफुल, ड्रॉट या फिर ड्रीमी. व्हाट इज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इन देम, अमंग देम? व्हाट इज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताइए जल्दी से. ड्रिबल, ड्रेडफुल या फिर ड्रॉट या फिर ड्रीमी. व्हाट इज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड? व्हाट इज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताइए. बताइए
देखिए इसके लिए मैं आपको बताऊं इसका जो राइट वर्ड क्या होगा. एग्जैक्टली, वेरी गुड, ड्रॉट हो जाएगा. जो इसकी राइट स्पेलिंग क्या होती है, डी आर ए यू जी एच टी. तो सूखा पढ़ने के लिए आता है आपका ड्रॉट. ठीक है, दिस इज द राइट वर्ड आपका ड्राउट. ठीक है, तो जो इसकी रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर है वो हमारा क्या है आपका, यस आपका ये डी आर ओ यू जी एच टी होगा. ठीक है, डी आर ओ यू जी एच टी ये भी होता है, और एक वर्ड आपका डी आर ए यू जी एच टी भी होता है. इसका मतलब होता है सडन ब्लो ऑफ एयर इन द रूम, तो उसके लिए भी आता है. ठीक है, तो दैट इज सूखा पड़ने से हो जाता है ड्राउट. ठीक, ड्रेडफुल मतलब होता है फियर्स, बहुत ही खतरनाक. ड्रीमी मतलब जो सपने में जी रहा है एक तरीके से. और एक वर्ड है ड्रिबल, ड्रिबल का मतलब होता है ड्रूल. ड्रूल मतलब होता है कि सलाइवा मुंह से बाहर आ रहा है. आप सभी ने एक इमोजी होता है, इफ आई कैन शो यू हेयर, आपको मैं दिखाता हूं यहां पर. आप अगर देखो ड्रूल इमोजी होता है, एक ड्रूल इमोजी आपने देखा होगा. ड्रूल इमोजी, ये वाला इमोजी देखा होगा आप सभी लोगों ने. व्हाट्सएप में होता है ड्रूल इमोजी. देखो मैं बताता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को, दिख रहा होगा शायद. ये वाला जो इमोजी होता है, ये दिस इज कॉल्ड ड्रूलिंग इमोजी. ये जिसमें नहीं आपके हल्की सी देखिए सलाइवा इसके मुंह से बाहर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड बेसिकली ड्रूलिंग फेस इमोजी. तो ड्रूलिंग फेस इमोजी या ड्रिबल मतलब होता है कि किसी सलाइवा का बाहर आना या किसी जगह से एक एक बूंद का टपकना, इज कॉल्ड ड्रूल आपका. ठीक है, या ड्रिबल. तो ड्रिबल का मतलब हो गया कहीं से एक एक बूंद का टपकना, या फिर टू लेट द सलाइवा आउट इज कॉल्ड ड्रूल या फिर ड्रिबल. समझ में आया? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. कहता है लेट्स होप दे विल बरी द हैचेट एंड बी फ्रेंड्स अगेन. तो बरी द हैचेट का मतलब होता है बरी द हैचेट मेंड फेंसेज. बरी द हैचेट मेंड फेंसेज, इन सभी का मतलब होता है आपका अपने पुराने झगड़ों को भुला देना. तो मतलब हो जाएगा फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स विल बी द राइट आंसर. तो बरी द हैचेट मेंड फेंसेज मतलब पुराने आपकी चीजों को भुला देना, इज कॉल्ड फॉरगेट पास्ट क्वेरल्स. ठीक, समझ में आ गया. चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं. कहता है सिनोनिम बताइए वर्ड फेन के. व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड फेन. व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड फेन, बताइए आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा. व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड फेन. ठीक, तो इसके लिए जो सिनोनिम होता है क्या होता है आपका, प्रिटेंड करना. ठीक है, ऐसे शो करना कि आप कुछ अलग कर रहे हैं, प्रिटेंड करना. तो दैट इज प्रिटेंड इज द राइट वर्ड हियर. फेन करना, प्रिटेंड करना हो जाता है आपका. ठीक है, चलिए हाँ प्रिटेंड करना होता है. ठीक, तो फेन के लिए सिनोनिम आपका क्या हो गया, प्रिटेंड. चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. डिड यू डू व्हाट आई टेलिंग यू टू डू यस्टरडे. ऑप्शन लिखा है दैट आई एम व्हाट आई हैव टोल्ड यू, व्हाट आई टोल्ड यू, या नो इंप्रूवमेंट. व्हाट इज द आंसर. डिड यू डू व्हाट आई टेलिंग यू टू डू यस्टरडे. जी, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. डिड यू डू व्हाट आई टेलिंग यू टू डू यस्टरडे, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का. डिड यू डू व्हाट आई टेलिंग यू टू डू यस्टरडे, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का. व्हाट इज द आंसर बताइए. डिड यू डू व्हाट आई टेलिंग यू टू डू यस्टरडे. तो मैंने आपको कल एक चीज बताई थी, मैंने पढ़ाया था आपको क्या, मैंने कहा था कि अगर सेंटेंस में यस्टरडे, अगो, लास्ट डे, लास्ट मंथ ये किसी का भी इस्तेमाल होता है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, पास्ट इंडेफिनिट का. यहां क्या लिखा, आई टेलिंग यू. तो यहां यस्टरडे लिखा है तो सिंपली क्या हो जाएगा, व्हाट आई टोल्ड यू Yesterday will be the right answer. Answer will be D part, ना कि जो लोगों ने कहा है B वो गलत है. Answer होगा आपका D, क्योंकि what I told you, चूंकि यहाँ yesterday लगा है. Did you do, ये यहाँ पे sentence खत्म हो गया. What का use यहाँ as a conjunction हो रहा है, यहाँ पर इसका use conjunction के रूप में हो रहा है. तो ये अलग clause है, ये अलग clause है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा. ठीक है, what I told you is the right answer. अगले question पे आते हैं. कहता है synonym बताइए word ecstasy का. Ecstasy मतलब क्या होता है, परम सुख, परम आनंद, बहुत ज्यादा खुशी होती है उसके लिए वर्ड आता है एक्सटेसी. तो एक्सटेसी का जो सही शब्द है वो क्या है, परम सुख, हैप्पीनेस इज द राइट आंसर. आंसर होगा हैप्पीनेस. तो एक्सटेसी इज द हैप्पीनेस. ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. लैंड लेडी मेड मी चेंजिंग द डिजाइन ऑफ द किचन 3 times. बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा. लैंड लेडी मेड मी चेंजिंग द डिजाइन ऑफ द किचन 3 times. अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें टाइम लेंगे. बताइए इस क्वेश्चन को जल्दी से, बताइए. लैंड लेडी मेड हिम चेंजिंग द डिजाइन ऑफ द किचन 3 times. बताइए व्हाट इज द आंसर. लैंड लेडी मेड हिम चेंजिंग द डिजाइन ऑफ द किचन यस्टरडे, सॉरी 3 times. बताइए, व्हाट इज द आंसर. हाँ, यहां पर चूंकि देखो मेक, हेयर, वॉच,
फील, लेट, ये सारे के सारे कैसे होते हैं आपके बेयर इन्फिनिटिव होते हैं। बेयर इन्फिनिटिव का काम क्या होता है कि इनके बाद में टू नहीं लगेगा और बट इन्फिनिटिव लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो मेड कैसा है, बेयर इन्फिनिटिव है, तो यहां क्या हो जाएगा, मेड हिम चेंज द डिजाइन ऑफ द किचन 3 times, तो आंसर विल बी बी, ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी पार्ट। अगला क्वेश्चन कहता है यू मस्ट गो टू भोपाल इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट। तो इफ यू यू मस्ट गो टू भोपाल इफ यू आर लाइकिंग इट और नॉट, तो मैंने क्लास में अपने पढ़ाया हुआ है प्लस कोर्सेज में कि देखो वेदर का इस्तेमाल तब होता है जब आपके पास चॉइस होती है, इफ का इस्तेमाल जब चॉइस नहीं होती है। यहां पर आपके पास देखो और नॉट लिखा है, और नॉट लिखा है, जब चॉइस की बात है, जब चॉइस की बात होगी तब आपको वेदर लगाना होगा। तो सिंपली हो जाएगा वेदर यू लाइक इट और नॉट, आंसर विल बी डी पार्ट, यू मस्ट गो टू भोपाल वेदर यू लाइक इट और नॉट विल बी द राइट आंसर। तो यू मस्ट गो टू भोपाल वेदर यू लाइक इट और नॉट विल बी द राइट आंसर। वेदर इस्तेमाल होगा क्योंकि यहां पर चॉइस की बात आई है, जब चॉइस की बात होगी और नॉट होगा, और के बाद में नॉट लिखा होगा तब आप वेदर का इस्तेमाल करोगे, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते, कहता है सिनोनिम बताइए वर्ड डेम का, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड डेम, बताइए आंसर, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड डेम, क्या सिनोनिम है आपका वर्ड डेम के लिए, बताइए व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड डेम, क्या सिनोनिम होता है आपका वर्ड डेम के लिए, बताइए। ये थोड़ा सा मुझे पहला अच्छा क्वेश्चन दिखाया जो आपका ठीक ठाक क्वेश्चन है, बताइए। ठीक, बताइए व्हाट इज द आंसर टू द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डेम। हाँ, वेरी गुड, इसका आंसर होता है फीमेल। डेम का मतलब होता है, डेम इज द बेसिकली, डेम इज द टाइटल विच इज गिवन इन ब्रिटेन, टाइटल गिवन इन ब्रिटेन फॉर एन ऑन एन टाइटन गिवन इन ब्रिटेन एज एन ऑनर फॉर कमेंडेबल वर्क, फॉर कमेंडेबल वर्क टू वुमेन, औरतों को बहुत अच्छा काम करने के लिए एक टाइटल दिया जाता है जिसे कहते हैं डेम। तो डेम का मतलब वुमेन भी हो जाता है और इसलिए आंसर हो जाएगा इसका फीमेल। तो आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा फीमेल, ठीक है। चलिए अब देखो लेडी क्यों नहीं हुआ, लेडी जो होता है आपका लड़की का यूज, आपको अगर सम्मान के रूप में करना है तो लेडी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैन और वुमेन का इस्तेमाल करते हैं, मैन और वुमेन का इस्तेमाल करते हैं आप किसी का प्रोफेशन या फिर टाइटल बताने के लिए, प्रोफेशन या फिर टाइटल बताने के लिए, और आप यूज करते हैं मेल या फिर फीमेल का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए, मेल या फीमेल का यूज करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए, तो यहां पे आंसर हो जाएगा फीमेल। अगला क्वेश्चन, द प्लान विल डाई डैश यू लुक आफ्टर इट, द प्लान विल डाई डैश यू लुक आफ्टर इट, ठीक है, द प्लान विल डाई डैश यू लुक आफ्टर इट, व्हाट शुड बी द आंसर, द प्लान विल डाई डैश यू लुक आफ्टर इट, व्हाट शुड द आंसर। ये क्वेश्चन, ये मुझे पेपर थोड़ा सा ठीक लग रहा है, कल वाला पेपर कुछ ज्यादा आसान था, ये तब भी ठीक है। द प्लान विल डाई डैश यू लुक आफ्टर इट, हाँ मैंने कल आपको बताया था कि देखो अगर अनलेस इफ आएगा तब, जब नॉट लगा होगा, जब नॉट नहीं लगा है और इफ मुझे लगाना है तो मैं अनलेस लगाऊंगा। अगर मैं किसी चीज का ख्याल रखाऊंगा तो प्लान क्यों मरेगा, तो इफ नहीं हो सकता, मुझे ये चाहिए निगेटिव, और ये निगेटिव कब बनेगा, जब मैं अनलेस या अंटिल लगाऊं, अंटिल तब लगाते हैं जब टाइम बाउंड कंडीशन होती है, वो है नहीं, अदरवाइज तो यहां पर कोई सेंस नहीं है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, अनलेस, तो अनलेस यू लुक आफ्टर इट, जब तक तुम नहीं देखते हो। अगला क्वेश्चन आता है गेटिंग द फुलब्राइट स्कॉलरशिप एट दिस यंग एज इज अ फेदर इन हिज कैप, तो फेदर इन हिज कैप का आंसर बताना है, कल मैंने डिस्कस भी किया था, फेदर इन हिज कैप का मतलब क्या हो जाता है आपका, हो जाता है एन अचीवमेंट, तो एन अकम्प्लिशमेंट टू बी प्राउड ऑफ, एन अकम्प्लिशमेंट टू बी प्राउड ऑफ विल बी द आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कहते हैं इफ यू गो फॉर दिस ट्रेनिंग इट विल बी बेनिफिशियल टू यू इन द लॉन्ग रन, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू इन द लॉन्ग रन, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन मतलब, इन द लॉन्ग रन मतलब लंबे दौरान, लंबे दौरान, लंबे एक समय के दौरान, तो आपका आंसर हो जाएगा इवेंचुअली, ठीक है, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का इवेंचुअली, यानी कि आपका एट द एंड ये आपका फायदेमंद होगा, आपके लिए काफी फायदा होगा इससे अगर आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो तो।
तो आंसर हो जाएगा इवेंचुअली विल बी द राइट आंसर. इंटरमीडिएटली मतलब रुक रुक के, रुकावट होना, ये नहीं हुआ. इमीडिएटली इन द लॉन्ग रन का मतलब इमीडिएटली नहीं होता. रेगुलरली, जैसे कि मैं रेगुलरली यहाँ पर क्लासेस लूंगा, तो ये रेगुलरली भी नहीं होगा. आंसर विल बी इवेंचुअली. सी विल बी द राइट आंसर. ठीक है, डी नहीं होगा, सी विल बी द राइट आंसर. इवेंचुअली, इंटरमीडिएटली मतलब रुक रुक के होना, रुक रुक नहीं होना, इन द लॉन्ग रन की बात कर रहा है. कहता है कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज इंक्रीज सो मच दैट मैनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट. क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपली, मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है सिर्फ इतना पैसा कमाना कि आप सर्वाइव कर सको. तो आंसर हो जाएगा अर्न इनफ टू सर्वाइव. ठीक है, आंसर विल बी earn enough to survive. The cost of living has increased so much that many people find it difficult to make both ends meet. मतलब earn enough to survive. ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका. अगला आपका क्लोज टेस्ट है, इसको आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा. अगर इसके बाद कुछ क्वेश्चन है तो उनको डिस्कस कर लें, फिर हम क्लोज टेस्ट कर लेंगे. ठीक है, इसके बाद आपका पूरा पैसेज है, तो वी लीव द पैसेज. पैसेज हम नहीं करेंगे, क्लोज टेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, क्लोज टेस्ट को करते हैं. कहते हैं लॉर्ड बेडन पॉवेल द फाउंडर ऑफ द स्कॉटिंग वॉज हिमसेल्फ एन आर्मी स्काउट. आपने एक चीज नोटिस करिए, सेम पैसेज था जो मॉर्निंग शिफ्ट था और इवनिंग शिफ्ट था, सेम पैसेज था. जो पैसेज सुबह आया था उसी का आधा भाग यहाँ आया है, और हो सकता है आधा भाग अगली शिफ्ट में आया हो. तो जो लोग पेपर दे के आए भाई, उनसे रिव्यू जरूर ले लेना. जो चीजें बाहर आए उनको जरूर देख लेना, पेपर वहीं से आएगा, ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन आएंगे. तो आंसर पूछ रहा है लॉर्ड बेडन पॉवेल द फाउंडर ऑफ स्कॉटिंग वॉज हिमसेल्फ एन आर्मी स्काउट ड्यूरिंग डैश वॉर इन साउथ अफ्रीका. ऑप्शन दिया है ए एन वन एनी. तो भाई वॉर अगर है तो वो कैसा होगा? एक होगा, सिंगुलर काउंटेबल है, तो क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग अ वॉर इन साउथ अफ्रीका. आगे कहता है व्हेन सोल्जर्स डैश नॉट इजिली अवेलेबल. सोल्जर्स के साथ में कैसा आएगा? आर आएगा, हैव आएगा, हैड आएगा या वर आएगा? तो पास्ट की बात कर रहा है ना, और पास्ट की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा? और सब्जेक्ट हमारा कैसा है? प्लूरल है, तो कैसा हो जाएगा? सोल्जर्स वर नॉट इजिली अवेलेबल विल बी द राइट आंसर. नहीं दिख रहा है. ओके, अच्छा 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 ठीक है, मैं रुक जाऊँ, मैं अपने आप को हाइड कर देता हूँ, मैं अपने आप को छोटा कर देता हूँ. चलिए, अब दिख रहा होगा. अब दिख रहा है? अब भी नहीं दिख रहा. अब दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा होगा. वेरी गुड. चलिए, तो कहता है लॉर्ड बेडन पॉवेल द फाउंडर ऑफ स्कॉटिंग वॉज हिमसेल्फ एन आर्मी स्काउट ड्यूरिंग, तो मैंने यहाँ क्या बताया, अ वॉर इन साउथ अफ्रीका व्हेन सोल्जर्स डैश नॉट इवली अवेलेबल. तो ये पास्ट की बात बता रहा है. जब वो पास्ट की बात बता रहा है और आगे कह रहा है ही सेलेक्टेड, यानी कि इसमें पास्ट परफेक्ट की तो कोई जरूरत है नहीं, तो सिंपली क्या हो जाएगा? ही वर हो जाएगा यहाँ पर. ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. अगला कहता है लॉर्ड, यहाँ पर कहता है थर्ड, कहता है कि ही सेलेक्टेड अ फ्यू बॉयज डैश वर्कड एज मैसेंजर्स. तो हु सेलेक्टेड? ही सेलेक्टेड अ फ्यू बॉयज डैश सेलेक्टेड. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? विच, हु, हूज या फिर हुम? बताइए. अ फ्यू बॉयज डैश वर्कड एज मैसेंजर. द वर्कड एज मैसेंजर, क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आंसर इस क्वेश्चन का सिंपली हो जाएगा डैश वर्कड एज मैसेंजर. इट विल बी सिंपली विच, हूज, हु या फिर हुम, क्या हो जाएगा? अब यहां पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना है. ठीक है, वर्कड आया, मेन वर्ब आया है, तो आपका एटलीस्ट होम नहीं होगा यहां पर. ठीक है, मेन, अगर आपका रिलेटिव प्रोनाउन, अगर रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में मेन वर्ब आता है तो वहां पर क्या आएगा? हु आएगा. तो यहां हु आएगा, तो हु हो जाएगा सही आंसर. विच आएगा नहीं, हुज आएगा नहीं, क्योंकि हुज की जरूरत नहीं है. ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. कहता है वर्कड एज मैसेंजर एंड डिड अ वंडरफुल डैश. तो वंडरफुल जॉब, पोस्ट, थिंग या फिर वर्क, क्या किया उन्होंने वंडरफुल? तो वंडरफुल ऑब्वियसली उन्होंने क्या किया? जॉब किया. तो ही डिड अ वंडरफुल जॉब एज लिटिल स्काउट्स. लिटिल स्काउट्स के रूप में उन्होंने एक अच्छा काम किया. अगला क्वेश्चन कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द फिल बिंग फाइव. तो मूवमेंट हैज डैश थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो मूवमेंट जो था वो पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ था? फैल हो गया था. सॉरी, जो मूवमेंट था वो पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ? फैल गया था.
तो मूवमेंट अपने पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। जब पूरे वर्ल्ड में मैन मूवमेंट फैलेगा तो क्या होगा, स्कैटर्ड होगा, एक्सटेंडेड होगा, स्प्रेड होगा या स्ट्रेच्ड होगा, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? देखो स्कैटर जो होता है, स्कैटर्ड मतलब होता है किसी चीज का इधर उधर फैल जाना, ठीक है। एक्सटेंडेड हो जाता है आपका, एक्सटेंडेड मतलब किसी चीज का बहुत ही एक्सटेंड हो जाना, ठीक है। और स्प्रेड मतलब होता है किसी चीज का फैलना। अब स्प्रेड वो कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई डिसीज स्प्रेड हो सकती है, मूवमेंट क्या होगा, स्प्रेड होगा, तो आंसर विल बी स्प्रेड विल बी द राइट आंसर। तो द स्काउट मूवमेंट हैज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, लेकिन यहां पे एक्चुअली में स्प्रेड सही हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आंसर विल बी सी पार्ट, ठीक। अब अगर आप लोगों की अनुमति हो, अगर आप लोग चाहो तो ये पैसेज पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं, नहीं चाहो तो इसको छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर है, आप बताइए। इफ यू वॉन्ट टू रीड गो गिव इट अ रीड, इफ यू डोंट वॉन्ट टू रीड वी कैन स्किप इट, बट थोड़ा सा बड़ा पैसेज है तो मैं एटलीस्ट PDF अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और आंसर्स के लिए मैंने पहले ही PDF अपलोड कर दी हुई है। इस क्लास की PDF जिसको भी चाहिए हो टेलीग्राम ग्रुप पे सर्च करना, मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा कमेंट, @AmanTrivedi अगर टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो मेरा चैनल मिल जाएगा और वहां से आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हो और आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो डिस्कस करना है कि नहीं करना है PDF आपको? चलिए कर ले तो अच्छा रहेगा, चलो पढ़िए फिर, क्वेश्चन विल नॉट लुक, तब चलिए जल्दी जल्दी पढ़िए, मैं शांत रहूंगा, आप लोग फुल फाइव चुपचाप पढ़िए, ठीक है। मैं अपने आप को थोड़ी देर के लिए हाइड भी कर देता हूँ, चलो करिए फटाफट पढ़िए इसको। पढ़िए इस पैसेज को, पढ़िए जब आप लोग एक पढ़ लीजिएगा तो बता दीजिएगा तो मैं आगे मूव करा दूंगा। ठीक है, आई थिंक इतना पढ़ लिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं नहीं क्या जल्दी रहने क्यों रहे, पढ़िए अब, मैंने पढ़ इतना कर लिया है तो अब करिए। चलिए लेट्स स्टार्ट, चलो क्वेश्चन करते हैं। कहता है अभी थोड़ा सा रह गया, चलो इसको भी पढ़ना है, थोड़ा एक रह गया मैंने मिस कर दिया। चलिए लेट्स मूव अहेड, तो द पैसेज इज मेनली अबाउट व्हाट, चेंज ऑफ द कलर ओशियन कलर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, द ग्रोथ ऑफ फोटोकोलेक्टन इन द ओशन, व्हाई ओशन वाटर लुक्स ब्लू, या हाउ द ग्रोथ ऑफ फोटोकोलेक्टन विल इंपैक्ट द फूड वेब। तो पैसेज किसके बारे में बेसिकली, बताइए आंसर पहले क्वेश्चन का आंसर। तो बेसिकली जो पैसेज है वो किसके बारे में है, द पैसेज इज बेसिकली अबाउट व्हाट, द पैसेज इज बेसिकली मेनली अबाउट व्हाट, पैसेज इज मेनली अबाउट द चेंज ऑफ ओशन कलर ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है द कलर ऑफ द ओशन डिपेंड्स इन, अब कलर किस पे डिपेंड करता है, द ग्रोथ ऑफ फाइटो प्लैंकटॉन पे होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स पे होता है, सनलाइट के एब्जॉर्प्शन पे होता है, या सनलाइट के इंटरेक्शन पे होता है, किस पे होता है आपका बेसिकली, जो मेनली जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, आपका जो ओशन का कलर है वो किस पे डिपेंड करता है मेनली, ऊपर का ए बताया है मैंने आंसर, दूसरे का बताइए, कलर ऑफ द ओशन डिपेंड्स मे ऑन व्हाट, कलर किस पे डिपेंड करता है, ग्रोथ ऑफ फाइटो के होता है, किस पे होता है, यस वेरी गुड, आंसर विल बी डी, द सनलाइट्स इंटरेक्शन विद द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इन विच एरिया विल द ओशन लुक ब्लूअर, एरिया नियर पोल, सदर्न ओशन, एरिया नियर इक्वेटर, या फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशन, कहाँ पर जो है आपका एरिया ओशन ब्लू दिखेगा, ओशन विल लुक ब्लू ऑन एरिया नियर इक्वेटर विल बी द राइट आंसर, सी विल बी द राइट आंसर हियर, ठीक है, और कहता है वेयर डू फाइटो प्लैंकटॉन ग्रो प्रोफ्यूजली, कहाँ पर वो प्रोफ्यूजली ग्रो करते हैं, तो इट विल बी वॉट, डी विल बी द राइट आंसर, वेयर दे ग्रो फ्यूटिकली, आपका वेयर देयर आर अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, वेयर डू आपके ग्रो कहाँ पे करते हैं, तो होगा वेयर देयर आर लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द ओशन वाटर विल बी द राइट आंसर, ठीक है, यू गाइज हैव कंफ्यूजन ओवर देयर, है लॉट ऑफ कंफ्यूजन, चलो लास्ट एक बार देख लो, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, मोर ब्लू कलर इन द ओशन विल अफेक्ट द क्लाइमेट चेंज, दिस इज द नॉट करेक्ट आंसर विल बी सी पार्ट हियर, ठीक है, चलो देखो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि गलत हैं क्वेश्चंस तो एक बार आप ना दोबारा से पढ़ लेना, आई जस्ट वॉन्ट वॉन्ट टू स्पेंड सो मच टाइम ओवर इट, क्योंकि इसमें होप प्रॉब्लम यह कि हमको एक साथ पैसेज दिख नहीं रहा, अगर दिखे तो हम चलिए बरी कर ही लेते हैं, तो पैसेज तो हो गया था, दूसरे में था कलर ऑफ ओशन डिपेंड्स ऑन, कलर किस पे डिपेंड कर रहा है, चलो देखते हैं कलर किस पे डिपेंड कर रहा है आपका ओशन का कलर, ठीक, तो ओशन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है, द ओशन लुक्स ब्लू और ग्रीन टू अस बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ सनलाइट इंटरैक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, देखो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन टू का आंसर, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हुआ, देखो यहाँ पर आंसर आपका हुआ आपका सनलाइट इंटरैक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सी ऑर्गेनिजम्स, इसलिए हो गया ये क्वेश्चन, दूसरा तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इन विच एरिया विल द ओशन लुक ब्लूअर, कहाँ पर ओशन ब्लू दिखेगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं, कहता है ऐसा ऐसा होगा, उसके बाद द स्टडी प्रेडिक्ट्स द ब्लू विल इंटेंसिफाई मोस्ट लाइकली इन द सब ट्रॉपिकल रीजन्स वेयर द फाइटो प्लैंकटॉन विल डिक्रीज, दीज एरियाज आर नियर द इक्वेटर लाइक बरमूडा एंड बहामास, तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, कहाँ पर आपका दिखेगा बेसिकली, आप कहाँ गया आपका क्वेश्चन आपका, हाँ कहाँ दिखेगा, नियर द इक्वेटर बहामास और दिखाया, तो आंसर इसका क्या हो गया, सी पार्ट, ठीक है, चलो आप लोगों को कन्फ्यूजन था मैंने दूर कर दिए, वेयर डू फाइटो प्लैंकटॉन ग्रो प्रोफ्यूजली, कहाँ पर करते हैं फाइटो प्लैंकटॉन ग्रो करते हैं, तो यहां पर कहता है आपका यहां पर हो जाता है फाइटोप्लैंकटन, तो कहता है स्टडी ब्लू विल इंटेंसिफाई दीज एरियाज नियर द इक्वेटर दैट आर ऑलरेडी क्वाइट इन देयर लॉट ऑफ हाँ रीजन्स वेयर आर देयर आर लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक इन द सदर्न ओशन और द पार्ट्स ऑफ इसे विल सी इवन फास्टर ग्रोइंग फाइटोप्लैंकटन, तो इसका मतलब किसकी वजह से ग्रो करते हैं, लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से करते हैं, इसलिए यहां पर आंसर देखो क्या हो गया, लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो गया, तो आंसर यहां पर क्या आ गया, डी पार्ट, चलो अब क्या ट्रू नहीं है यार, ये तो क्लियर ही है, मतलब ऑब्वियस है, मोर ब्लू कलर इसका कोई नहीं आंसर होगा, तो इसलिए आंसर ये होगा, सारे क्वेश्चन मैंने बताया आपको, कोई दिक्कत यहां पर किसी को, कोई डाउट, ठीक, चलो अब अगर वीडियो समझ में आया और पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी लोग ज़्यादातर लोग चले जा चुके हैं, तो आई थिंक जितना पढ़ाया उतना समझ में आया होगा, कल फिर मिलेंगे रात 12 बजे, इसकी अगर आपको PDF चाहिए हो तो आप डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल पर, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, वहां से कर लेना, अनअकैडमी पे जाकर चाहो तो आप इस पर्टिकुलर क्लास को एनरोल कर सकते हो, फ्री है बिल्कुल, ठीक है, बाकी कल मिलते हैं, कल फिर 12 बजे अगले 13 तारीख के पेपर के मॉर्निंग शिफ्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब तक के लिए सो जाइए, गुड नाइट, हैव अ गुड डे, मोबाइल वोबाइल मत चलाइएगा, ज़्यादा हो तो वोकैब रिवाइज कर लीजिएगा और चुपचाप सो जाइएगा, ठीक है, सुबह उठ के पढ़िएगा, बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।